इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इक्कीस जुलाई से उसका एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसे कैसे पैटर्न के रहेंगे कैसे कैसे आप पैटर्न की तैयारी करो सबसे पहले जो आपने गेस्ट पेपर खरीदा होगा या गाइड जो भी खरीदा होगा उसमें पहले ही पेज में आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पहला ही जो पैटर्न पूछा जाएगा वो आपको दे दिया होगा फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर में वो सभी चीजें वो सभी बातें बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑनर्स से चलिए मांग के चलता हूँ कि आपको कोई भी সব প্যাটর্ন সেম রেগা

आपका पर जो ऑनर्स पेपर है वही आपका है। आपका है, आपका है 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 क्योंकि ही जो जो करता या कंपोजिशन है उसमें बस आप है पास होना उसका आपको कभी भी एड नहीं होगा जो आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में जाओगे तो उसमें जो ऑनर्स का नंबर रहेगा उसी को देखते हुए आपका आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलेगा ठीक है तो अगर आपका ऑनर दो सौ नंबर का है विद प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो दो सौ होगा प्रैक्टिकल एग्जाम है तो दो सौ का नहीं होगा ठीक है तो अगर आप दो सौ का है दो सौ के अंदर में कम से कम एक सौ बीस नंबर लाते हो तो आपका कहलाता है फर्स्ट डिवीजन ठीक है उसका सिर्फ पास करने चाहिए नब्बे नंबर अगर नब्बे नंबर से कम है दो सौ में से एक में पैंतालीस एक में पैतालीस ऐसा नहीं कि एक में पैतालीस एक में तैतालीस फिर अब फेल हो जाएगा पेपर टू के अंदर में ठीक है तो आपको कम से कम दो सौ के अंदर में आपको यहां पर नब्बे नंबर लाना है जिसमें एक पेपर वो पैताइस नंबर कंपल्सरी है पेपर टू में इस नंबर इससे कम तो फेल है और फर्स्ट डिविजन करने के लिए एक सौ बीस नंबर चाहिए फर्स्ट डिविजन करने के लिए इस बात का आप लोग ख्याल रखना दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग ऑनर्स पेपर में फेल करते हो या क्रॉस लगता है तो आपको जब अगली बार जो एग्जाम दोगे तो आपका एडमिशन तो भले हो जाएगा पार्ट वन से पार्ट टू के अंदर में लेकिन अगली बार जो साथ में एग्जाम दोगे तो जो इसका जो आप फॉर्म भरोगे ना फॉर्म पार्ट वन का दोबारा और जो आप एग्जाम दोगे ना ऑनर्स पेपर का जो जिसको फेल किए हो तो आपको ऑनर्स पेपर जब भी फेल करते हो तो आपको दोनों पेपर याद देना पड़ेगा पर... अगर पेपर वन में फेल हो तो भी आपको पेपर वन टू दोनों देना पड़ेगा अगर पेपर टू में फेल हो तो भी आपको एग्जाम दोबारा पेपर वन और पेपर टू दोनों देना पड़ेगा याद रखना ऑनर्स पेपर में फेल मतलब तो सही जितना ऑनर्स है सबके सब आपको एग्जाम देना पड़ेगा आपको बैक नहीं लेगा साथ ही में रहोगे लेकिन फिर भी आपको एग्जाम दोनों पेपर देना पड़ेगा तो याद रखना आप सब्सिडरी विषय में ज्यादा ध्यान तेन से बेहतर है कि आप लोग ऑनर्स पेपर में ध्यान देना ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनर्स जो पेपर है वही आपका मेन तय करता है जो बाकी सब्सिडी का पोजिशन है वो बस नाम मात्र के लिए पास होना इंपॉर्टेंट है

कि इसके अंदर में जो आप क्वेश्चन जब लिखोगे जो भी क्वेश्चन लिखोगे तो कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तीन से चार पेज में होना चाहिए अगर इससे कम का है तो भाई आपको नंबर बहुत ही कम देगा और जो भी लिखो काफी कंठस्ट लिखो चोरी करने की तैयार मत करो अगर आप चाहते हो कि सर ये बताइए कि पेपर ऑनर्स पेपर कैसा लिखे एक डिटेल्स रिव्यू दीजिए एकदम अच्छे से बताइए रिव्यू के अंदर में कि सर कैसे लिखे कि मेरा नंबर सबसे अधिक आए अगर चाहते हो तो कमेंट करो अगर आपका यहाँ पर 30 प्लस कमेंट अगर हो गया तो मैं आप उस पर आपको वीडियो बना के स्पेशल मैं आपको रोशन उस दिन ही देगा आपको ठीक है तो आ जाओ आप समझते हैं टोटल तो तो दस क्वेश्चन आपके रहेंगे एक से लेकर यहां तक आप लोगों को दस तक, तक में उसके अंदर में आपको चॉइस बाई चॉइस करके फिलिप फिलिप करके आपको एक क्वेश्चन बनाने बनाने होते हैं ठीक है तो आइए मैं समझता हूँ किस टाइप ऑफ पैटर्न के होंगे तो यहाँ पर है? इसमें लिखा गया है कि एक से लेकर दस तक रहता है बनाने आपका। आप ख्याल रखना है? तक तक है आपको टोटल इसमें इसमें आप क्वेश्चन नंबर वन को स्किप नहीं कर सकते बनाना को इंपॉर्टेंट है आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो कि बीस नंबर टोटल होंगे तो यहां ध्यान दे सकते हो क्वेश्चन नंबर आपको दे देगा इसमें आपको एमसी टाइप का एक दो तीन यहां ध्यान दो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस मैं कुल मिलाकर आपको यहां पर बीस ऑब्जेक्टिव देगा क्वेश्चन नंबर वन के अंदर में टोटल बीस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे बीस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे अब बाकी क्वेश्चन नंबर दो से लेकर दस तक में आप बाय चॉइस अपने मन से कोई भी चूज करके कर बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर वन आपका रहेगा एमसीक्यू टाइप का और क्वेश्चन नंबर टू से लेकर टेन तक रहेगा आपको कोई भी बनाने वाला लिखने वाला बाकी सब वो क्वेश्चन नंबर एक बीस तक रहेगा आपको टिक मारने वाला और क्वेश्चन नंबर दो से लेकर बीस तक आपको रहेगा दस तक रहेगा आपको यहां पर लिखने वाला कॉपी के अंदर में ठीक है तो उस क्वेश्चन नंबर दो से लेकर दस तक में कोई भी चार चूज करके बना लो चार आपको चूज करना इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन नंबर वन आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो कंपल्सरी है वो आपको नहीं पड़ेगा तो आई थिंक आप ऑनर्स का भी चीजें समझ रहे होंगे अब आते हैं दोस्तों कि आपका ऑनर्स के बाद सब्सिडी है तो वो क्या पैटर्न रहेगा देखो अगर आपका सब्सिडी है मांग के चले कि आपका सब अगर पार्ट वन सब्सिडरी ऑनर्स है तो इसके अंदर में भी पैटर्न आप उसके सब्सिडरी में आपका एमसी को एमसी क्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा ठीक है एमसी क्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा सिर्फ एक से लेकर दस तक दिए रहेंगे इसमें से आपको यहाँ पर एक से लेकर दस तक में कोई भी पांच करके बनाना पड़ेगा कोई भी पांच चूज कर लीजिए और बना दीजिए ठीक है इसके अंदर में एमसी क्यू आपको नहीं रहेगा मैं और दिखाता हूँ आपको इकोनॉमिक्स देखो ऑनर्स में इकोनॉमिक्स है बी ए पार्ट वन ऑनर्स इकोनॉमिक्स दो हजार उन्नीस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर देखो यहाँ भी ये क्वेश्चन नंबर वन अनिवार्य है दे सकते हो बाकी क्वेश्चन नंबर टू

ठीक है एक सेलब से माफ करना अगर आपका पचास नंबर का क्वेश्चन है पचास पचास वाले हो तो आपको पांच क्वेश्चन टोटल मिलेंगे पांच क्वेश्चन के पांच क्वेश्चन आपको यहां पर देना पड़ेगा इसके में कोई भी आप नहीं छो, मतलब छोड़ नहीं सकते हो टोटल जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लगभग रहेंगे इसमें आपको यहां पर दे सकते हो यहां पर देखो एक क्वेश्चन रहेंगे बारह नंबर के तो बारह के छीन क्वेश्चन होंगे छत्तीस नंबर के बारह 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 के यहाँ पर ऊपर से आपको चला गया और बाकी जो बचे आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन वो रहेंगे आपके बाकी जो नंबर बचेंगे उसके अंदर में रहेंगे इसमें आपको सभी क्वेश्चन कम्पल्सरी बनाना है अगर नहीं रहता तो यहाँ पर लिखा रहता इसमें आपको सब के सब बनाना होता है ठीक है तो आप इसको अपने अनुसार में सुटेबल कर लो और इसको पांच से पांच क्वेश्चन बना के घर पर ले जाना है इसके अंदर में इसके अंदर में भी आपको यहाँ पर देना रहता है तो आप अपने अनुसार में दे दो देखो यहाँ लिखा गया के उत्तर दीजिए दस नंबर का बीजा किसकी रचना है विद्यापीठ है है का तो आप यह दे सकते हो यहाँ पर डिटेल्स लिखा गया है तो आप आते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा चीज जो वोकेशनल वाले वो क्या करेंगे तो भाई जो वोकेशनल वाले कोर्स है उनका भी सेम ही है क्वेश्चन नंबर वन जो है सो आपका यहाँ पर जो है कंपल्सरी रहता है और बाकी उसके बाद आपको यहाँ पर दो से लेकर दस के बीच में कोई भी उसमें चार्ज आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर वन आपको एमसीक्यू टाइप का रहेगा बाकी क्वेश्चन आपको लिखने वाला रहेगा जो कि बातें यहाँ पर लिखी गई है आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर लिखा रहेगा अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है आप में तो वहाँ पर आपका एग्जाम सौ नंबर का नहीं होगा कम का होगा अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है तो आपका वहाँ पर सौ लिखा रहेगा अरे अगर पेपर वन में फर्स्ट लिखा हुआ है पेपर टू के अंदर में सेकेंड लिखा होगा तो आई थिंक आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा अब आपको यहाँ पर मैं चाहता हूँ बताना है कि अगर आपको यहाँ पर कॉपी ऑनर्स कॉपी कैसे लिखे ये आपको करवाना है करो, मैं आपको वीडियो दोस्तों बना के दूंगा बस आप नीचे और थैंक यू सो मच आपको सभी अंतर समझ में आ गया होगा कितना कितना नंबर लाना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक तो बस आप जाओ अच्छी तैयारी करो कल परसों आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा जय हिंद जय भारत